हेलो फ्रेंड्स, 2023 वर्तमान दशम पास करथिबा पिला मानको पई इंटेलिजेंस ब्यूरो तरफ रो गोटे रिक्वायरमेंट आसी जे थरे आपण माने दशम पास करथिले अप्लाई करि परिबे। आपण वयस जदि 18 रु 27 वर्ष मध्ये रहउची एवं आपण जदि रिजर्वेशन कैटेगरी अंडर जाउचंती ता पई रिलेशन मध्ये अछि। यार पोस्ट रहउची आपण मानकर सिक्योरिटी असिस्टेंट एवं एमटीएस। सिक्योरिटी असिस्टेंट एवं एमटीएस पई इंटेलिजेंस ब्यूरो इंडिया तरफ रो आपण मानकर पोस्टिंग आसी अछि। तो को विभाग रे चाकरी केते वैकेंसी रहिची एवं कोन डिटेल्स नोटिफिकेशन बा डिटेल्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहिची सब डिटेल्स आमे वीडियो माध्यम रे देखिबा। तो चालन तो देखिबा ता पूर्व मु कहि रखबि जो माने चैनल रे नुवा छथि सब्सक्राइब करंतु, जो माने सब्सक्राइब करि नहंती ए पर्यंत सब्सक्राइब करंतु, लाइक करंतु एवं अधिक रो अधिक शेयर करंतु। बर्तमान देखिबा नोटिफिकेशन कोन रहिची। देखंतु इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड एमटीएस रिक्वायरमेंट 2023 अप्लाई ऑनलाइन फॉर 677 पोस्ट। आपण 677 पोस्ट रही एमटीएस सिक्योरिटी असिस्टेंट पई एथिरे जो पोस्ट रहउची आपण मानकर आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड एमटीएस 2023 टोटल वैकेंसी रहउची 677। ऑर्गेनाइजेशन रहउची आपण मानकर इंटेलिजेंस ब्यूरो तरफ रो नोटिफिकेशन आसी अछि बा वैकेंसी आसी अछि। एज लिमिट देखंतु, एज लिमिट रहुची 13/11/2023। आपण मानकर 13/11/2023 सुधा आपण मानकु मिनिमम 18 वर्ष होइथबो एवं मैक्सिमम आपण मानकु 27 वर्ष होइथबो। ता सहित एज रिलैक्सेशन मध्ये रहिचे जो एससीएसटी ओबीसी पिलानक पई 5 वर्ष एवं डिजेबिलिटी पई 10 वर्ष रिलैक्सेशन ता मध्ये उपलब्ध अछि। तो जो माने मिनिमम 18 वर्ष अछि मानकर वयस एवं दशम पास करचेंदी से माने अप्लाई करि परिबे। देखंतु आगो देखिबा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कोन क्वालिफिकेशन। इम्पोर्टेंट डेट देखंतु 14/10/2023 अक्टोबर 14 रु आपण मानकर एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाउची जोटा कि ऑनलाइन माध्यम रे अप्लाई करिवे। लास्ट डेट रहउची 13/11 अर्थात जो 13/11 वयस रहिची आपण मानकर देखंतु 13/11 सुधा दैची से 13/11/2023 13/11 आपण मानकर लास्ट डेट अप्लाई करिवार लास्ट डेट सुधा आपण को जदि 18 वर्ष हो जाउची ताहेले आपण अप्लाई करि परिबे। नेक्स्ट आपण मानकर रहउची वैकेंसी डिटेल्स देखंतु। कैटेगरी नेम रहउची सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट। सिक्योरिटी असिस्टेंट एवं मोटर ट्रांसपोर्ट पई रहउची 362 पोस्ट रहउची एवं एमटीएस जनरल पई पोस्ट रहउची 315 टोटल 677 पोस्ट रहउची जोटा कि सिक्योरिटी असिस्टेंट पई 362 एवं एमटीएस पई रहउची 315 पोस्टिंग। आपण मानकर आसीबो भुवनेश्वर, अगरतला, अहमदाबाद, अमृतसर, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, डेराडून, दिल्ली बा जोटा कि हमरो आईबी हेडक्वार्टर रही दिल्ली रे सेठी मध्ये पोस्टिंग अछि। हैदराबाद, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, रायपुर, रांची, वाराणसी, विजयवाड़ा एभली विभिन्न ब्रांच सब जो रही आईबी डिपार्टमेंट रो इंटेलिजेंस ब्यूरो रो जितने सब ब्रांच रही सब ब्रांच रे आपण मानकर पोस्टिंग रहइबो। एवं क्वालिफिकेशन देखंतु दशम पास कैंडिडेट शुड पजेस 10th क्लास। आपण 10th पास करथिबे एवं पोजिशन ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ दैट स्टेट एग्नेस्ट व्हिच द कैंडिडेट्स आर अप्लाइड। देखंतु जो स्टेट रे अंडर रे आपण अप्लाई करिवे विभिन्न स्टेट रे आपण मानको रहिजे इंडिया रो सब स्टेट रे जेहेतु आईबी रो डिपार्टमेंट रो ब्रांच सब रहिजे। तो जे जो स्टेट पे अप्लाई करथिबे से माने सेही स्टेट रो रेसिडेंट से मानकर सर्टिफिकेट थिबो ताले से माने अप्लाई करि परिबे एवं दशम पास करथिबे ताले अप्लाई करिबे। देखंतु जो माने जो स्टेट रो बिलोंग्स करचोंदी से माने सेही स्टेट रो अप्लाई करंतु निजर 10th पास सहित निजर रेसिडेंट सर्टिफिकेट को नहीं कि से माने अप्लाई करि परिबे अर्थात ओडिसा पिला ओडिसा रे अप्लाई करि परिबे। एवं से मानकर जदि अलगा स्टेट रहउची चंडीगढ़ हो किबा झारखंड हो जे जो स्टेट रो बिलोंग करचोंदी से माने से मानकर स्टेट रे अप्लाई करिबे। एग्जामिनेशन फी देखंतु 450 टका रहउची ऑल कैंडिडेट पई समस्तंकु 450 टका रो एग्जामिनेशन फी देबाकु पडिबो। एवं जोटा कि रिक्वायरमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस जोटा कि आपण मानको रिक्वायरमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस रहउची सेटा समस्तंकु देबाकु पडिबो। एवं एग्जामिनेशन फी जो रहउची 50 टका एटा केवल ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस एवं ऑल मेल कैंडिडेट को देवाक पड़ो। एससीएसटी एससीबीसी कैटेगरी एवं फीमेल कैटेगरी छाड़ देले एससीएसटी एससीबीसी फीमेल कैटेगरी को छाड़ दे कि बाकी समस्त को
एग्जामिनेशन फी 50 टंका रो देबाक पडिबो अर्थात 450 टंका समस्त को देबाक पडिबो केवल एससी एसटी एससीबीसी ओ फीमेल को छाड़ देगी बाकी समस्त को 450 टंका प्लस 50 टंका टोटल 500 टंका रो पेमेंट करया पडिबो यदि एससी एसटी एससीबीसी ओ फीमेल कैटेगरी अछि तहले आपन केवल 450 टंका देबाक पडिबो एवं जो माने एससी एसटी एससीबीसी ओ फीमेल कैटेगरी जाऊ नांती अलगा कैटेगरी जाऊ जने जनरल हो किबा ओबीसी हो से माने प्लस 50 टका अधिक 50 टका रो दबे जोटा के एग्जामिनेशन फी रहउची 500 टका पेमेंट करिवे पेमेंट आपन मानन कर हेबो ऑनलाइन मोड रे जो माने पेमेंट करिवे से माने ऑनलाइन ही पेमेंट करिवे जेतु अप्लाई ऑनलाइन रहइबो एवं पेमेंट मध्ये ऑनलाइन रहउची आपन चाहले निजरो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड किबा नेट बैंकिंग बा फोन पे गूगल पे जो भी यूपीआई आपन यूज करछन सेथिर मध्ये पेमेंट करि पारिवे तो वर्तमान यह थिला इंटेलिजेंस ब्यूरो तरफ रिक्वायरमेंट नुआ रिक्वायरमेंट आसी जे अक्टोबर 2023 रे रिलीज होई छि जोटा कि 14/10 आपन मानकर स्टार्ट हो जाउ छि अप्लाई समस्त अप्लाई करंतु जो माने ओडिसा स्टेट रु बिलोंग करचोनी समस्त रेसिडेंट सर्टिफिकेट बाहर करंतु एवं जहा पाखरे अछि से माने अप्लाई करंतु 14 स्टार्ट हो जाउ छि जो माने दशम पास करचोनी अप्लाई करि पारिबे मिनिमम 18 वर्ष मागु छि एवं एथिसहित आपन मानको कोनोसी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन नै से माने निजरो दशम सर्टिफिकेट एवं रेसिडेंट सर्टिफिकेट देकि अप्लाई करि पारिबे ओडिसा पिला मानको पई रहिछि भुवनेश्वर रे आईबी डिपार्टमेंट रो ब्रांच रहिछि आईबी डिपार्टमेंट भुवनेश्वर पई से माने अप्लाई करिबे समस्त अप्लाई करंतु एवं जे भी वीडियो देखुचंती समस्त निज निजर रिलेटिव मानक पाखु शेयर करंतु समस्त जेपर अप्लाई करि पारिबे समस्त रिक्वायरमेंट रे भाग नै पारिबे तो रिक्वायरमेंट रो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट बा जो रहिची नोटिस टी रहिची ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी मो डिस्क्रिप्शन रे व्हाट्सएप लिंक प्रोवाइड कर देछि आपन व्हाट्सएप लिंक रे क्लिक करके व्हाट्सएप रे फॉलो करंतु एवं व्हाट्सएप रे फॉलो करके आपन सेठु पाई परिबे जो एडवर्टाइजमेंट ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट टी मो ऑलरेडी प्रोवाइड कर देछि व्हाट्सएप लिंक रे तो व्हाट्सएप लिंक रे क्लिक करंतु एवं सीधा सळक आपन नोटिफिकेशन टी डाउनलोड करंतु एवं आपन सब डिटेल्स पढ़ी सारे की अप्लाई करंतु